परीक्षा की तैयारी में जुटे कैंडिडेट्स की तैयारी को खास बनाने के लिए भास्कर के साथ राजस्थान के जाने माने सब्जेक्ट एक्सपर्ट खास टिप्स दे रहे हैं। कौन से टॉपिक स्कोरिंग है और परीक्षा की तैयारी की क्या स्ट्रेटजी रखनी है, जानिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से। बेस बना के तैयारी कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से बात करता हूँ साइंस के अंतर्गत, तो लगभग 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो बायोलॉजी के होंगे। मतलब 22 क्वेश्चन अगर अपन मान के चलें तो 11 क्वेश्चंस उसमें बायोलॉजी के होंगे, 6 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं और बाकी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस जो करके चलना है वो बायोलॉजी के ऊपर, और उसमें भी ह्यूमन स्ट्रक्चर्स जो होती है, कोशिका है, पाचन है, श्वसन है, मतलब मानव के जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा फोकस आप दोस्तों उन चीजों के ऊपर करें। उसके बाद केमिस्ट्री को लें और उसके बाद फिजिक्स को लें, क्योंकि फिजिक्स के टॉपिक जो है उनकी संख्या थोड़ी कम। लेवल टू में दोनों ही विद्यार्थियों को एक तो सबसे पहले तो सिलेबस के साथ ही चिपके रहना चाहिए। कई बार विद्यार्थी क्या है कि यहाँ से भी ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, जबकि पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो पेपर का पैटर्न रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहा है, सिलेबस के बाहर नहीं रहा है। लेवल टू में सेम बात करें तो इनका जो आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया और इनके जो बीजगणित से रिलेटेड हो गए उनकी बातचीत अपन को करनी चाहिए। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो अलग अलग तरह के स्ट्रीम्स उसके अंदर है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हैं, जैसे आपका अधिगम है, लर्निंग है, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से फैक्चुअल है। जैसे पांचवी यूनिट में जो आपकी है एनसीएफ की, आरटीई की, क्रियात्मक अनुसंधान की, तो आरटी में ये फिक्स है कि भाई जो राइट टू एजुकेशन है उसमें चौथी यूनिट है और धारा 12 से 28 के बीच के जो फैक्ट्स हैं वही आपको देखने हैं, वहां से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। व्यक्तित्व में ये क्लियर है कि व्यक्तित्व के जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है या महत्वपूर्ण उसके मापन के जो परीक्षण है वो इंपॉर्टेंट है। तो बाल विकास के सिद्धांत को अच्छे से तैयार कर लें। नंबर दो पे बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ने के बाद दूसरा प्रश्न जो अमूमन आ रहा है वो आ रहा है वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका के ऊपर। जैसे पिछली बार वंशानुक्रम के प्रतिपादक आनुवंशिकी के जनक पूछा गया है, उससे पहले वंशानुक्रम के नियम पे प्रश्न पूछा गया है, वंशानुक्रम के वाहक क्या होते हैं, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से किसी एक पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न जो यहां से पूछा जा रहा है वो अवस्थाओं के ऊपर। पिछली रिट एग्जाम में बाल्यावस्था और किशोर अवस्था दो पे दो प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब इन तीनों अवस्थाओं में से किसी पे दो प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल यानी कि चार प्रश्न हो गए। बाकी बाल विकास यूनिट में से अपन देखते हैं तो मानसिक और सामाजिक विकास, इन पे पिछली रिट में प्रश्न पूछे गए, मतलब मानसिक और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में सामाजिकरण बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बाल विकास में इरिक इरिक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, सवेंगो में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, सवेंगो की विशेषताएं और भाषा और गामक विकास को हल्का सा देखना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है, एक तो पढ़े हुए को रिवीजन करें, नई पाठ्य पुस्तकों के फेर में इस समय न जाना ज्यादा उचित रहेगा। हिंदी में महत्वपूर्ण को लेकर के हम देखें, व्याकरण तो है ही 15 अंक की, लेकिन 15 अंक का शिक्षा शास्त्र है, प्राय विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र वाले कंटेंट को थोड़ा सा कम ध्यान में देते हैं। व्याकरण स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन शिक्षा शास्त्र जो है 15 अंक का हिंदी में और 15 अंक का संस्कृत में, और वो थोड़ा मैच भी करता है, तो शिक्षा शास्त्र पे भी विशेष बल देने की जरूरत है। प्रायोरिटी तो अब इसमें दोनों ही चीजें हैं, छोड़ तो किसी को सकते नहीं, क्योंकि 6 इकाइयों में बटा हुआ पाठ्यक्रम है, प्रत्येक इकाई 5-5 अंक की है, तो सबका अपना महत्व बराबर रहेगा, लेकिन विद्यार्थी को अब जो नए सीखा हुआ है उसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, जो सीखा हुआ है उसी की पुनरावृत्ति कर लेनी चाहिए। एसएसटी में सर इसमें मेन जो पार्ट दिए हुए हैं वो मेनली 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हिस्ट्री वाले पार्ट का है, क्योंकि हिस्ट्री के आपके तीनों पार्ट हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट, एक मिडाइवल हिस्ट्री वाला और एक मॉडर्न हिस्ट्री। उसके अलावा हिस्ट्री के अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री को ऐड किया हुआ है और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर को ऐड किया हुआ है, यानी टोटल वैसे देखें तो हिस्ट्री की टोटल 5 यूनिट्स दी हुई हैं। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मेनली 3 यूनिट्स इसमें दी गई हैं, जिसमें पहले एक वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन बोलते थे, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं होकर पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण अर्थात ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो उसमें ऐड किया गया है। ठीक है। उसके अलावा 2 रीजनल ज्योग्राफी है, रीजनल यानी किसी एरिया से संबंधित, जैसे एक भारत का भूगोल है और एक राजस्थान का भूगोल है। तो संस्कृत भाषा की तैयारी करने के लिए कम समय में जो जो यूनिट्स व्याकरण और शिक्षण विधियां दोनों 15-15 नंबर के एवरेज में आती है, उनमें जैसे वर्ण विचार है, सबसे ज्यादा स्कोर 5-6 क्वेश्चन तो पहली यूनिट में से ही आ जाते हैं, समय ज्ञान, संख्या ज्ञान जो अनिवार्य प्रश्न आता है, छंद का प्रश्न अनिवार्य है,
कुल मिलाकर 11 प्रश्न तो केवल अनिवार्य टॉपिक है जो छोटे छोटे टॉपिक है और यदि वो कवर कर लिए तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ता है हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए शिक्षण विधियों की एकदम टिप्स पे टॉपिक होते हैं, पूर्ण प्रामाणिक पैटर्न होता है। संस्कृत भाषा कम समय में एक स्कोर पावर होता है जिसमें 30 में से 30 नंबर लाने की संभावना होती है। सबसे पहला स्कोरिंग जो किसी से नहीं टकराता है समय ज्ञान, संख्या ज्ञान, वर्ण विचार, छंद, ये चार टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपके 8 से 9 प्रश्न कवर करते हैं। दूसरा वाच्य परिवर्तन आता है जो 10 प्रश्न करते हैं। संधि बहुत कम समय में रिवाइज करके 2 प्रश्न आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे जो जिन टॉपिक के डर मान रहे हैं संस्कृत का, विकारक है, विभक्तियां, वो तो बहुत कम हो जाता है। तो प्रत्यय, संधि, वर्ण विचार, समय ज्ञान, संख्या ज्ञान और छंद का टॉपिक। अब आप सबसे ज्यादा जो है वो स्टडी आपको टीचिंग मेथड्स की करनी है। सिलेबस में जो जो टॉपिक्स प्रिस्क्राइब हैं, उनको स्टडी करके उन पर बेस्ट कुछ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए ही आपको सारी स्टडी करनी है। साथ ही मैं बात करूंगा फोनेटिक्स की। दोनों ही लैंग्वेज में हमारे फोनेटिक्स हैं। फोनेटिक्स में सिंबल्स के साथ साथ आपको फोनेटिक्स में जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, उन पर बेस्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनती है।